कई दिनों बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर से शहनाज गिल ने याद किया है सिद्धार्थ शुक्ला को। क्या कहा है सिद्धार्थ को लेकर शहनाज ने, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में शहनाज गिल इंडिया की सबसे डिजायरेबल एक्ट्रेसेस में से एक है। शहनाज तब से डिजायरेबल हो गई थी जब से वो बिग बॉस के घर में आई थी। शहनाज को देखने के लिए, शहनाज के इर्द गिर्द रहने के लिए, शहनाज को जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए हमेशा लोगों की लाइन जो है वो लगी रहती है। और इसका सिलसिला, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत इसकी हुई थी बिग बॉस के घर से। बिग बॉस में जब शहनाज की एंट्री हुई थी तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि पारस के साथ जो भी उनकी इक्वेशन थी, उस दौरान उन्हें इतने ट्रोलिंग मिली थी, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद शहनाज ने कभी भी हार नहीं मानी। और शहनाज का जब सिद्धार्थ के साथ रिलेशन हुआ, सिद्धार्थ और शहनाज की जो सिडनाज जोड़ी बनी, उस जोड़ी ने फैंस का दिल जीता। अब पहली बार शहनाज गिल जो है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में एक अरसे बाद बात करती नजर आई हैं। शहनाज गिल हाल ही में एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, जब उस इंटरव्यू में उनसे कई सारे वैसे तो सवाल जवाब किए गए, लेकिन सिद्धार्थ का जिक्र कब निकला, डिजायरेबल इंसान की बात हुई। जी हाँ, शहनाज से रिपोर्टर ने सवाल किया कि आपकी नज़र में आज की डेट में कौन है सबसे ज़्यादा डिजायरेबल मैन। जी हाँ, हु इज़ द मोस्ट, इंडियाज़ मोस्ट डिजायरेबल मैन अकॉर्डिंग टू यू, रादर हु इज़ द मोस्ट डिजायरेबल मैन टू यू अकॉर्डिंग इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपके लिए सबसे ज्यादा डिजायरेबल आदमी कौन है। उस पर शहनाज गिल जो है वो रिप्लाई करते हुए कहती हैं, द मोस्ट डिजायरेबल मैन इन माय ओपिनियन एंड इन माय लाइफ इज सिद्धार्थ शुक्ला। ही इज, ही वाज एंड ही विल बी द मोस्ट डिजायरेबल मैन बिकॉज एवरीवन वांटेड हिम, ही वाज द मोस्ट डिजायरेबल। हर कोई उन्हें, उनके बारे में डिजायर करता था, उन्हें सोचकर कहीं ना कहीं उनके इतने ज्यादा फैंस थे। ही वाज द गोट एंड एज आई सेड ही वाज द मोस्ट डिजायरेबल। उसके बाद शहनाज से सवाल किया गया कि आपकी नजर में दुनिया की सबसे डिजायरेबल लड़की कौन है, लड़का या मैन आपने कह दिया सिद्धार्थ शुक्ला, बट हु इज द फीमेल। उस पर वो कहती हैं कि एंड व्हेन इट कम्स टू वुमेन आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज बीइंग डिजायरेबल। जी हाँ, शहनाज गिल का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उन्होंने खुद इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि मोस्ट डिजायरेबल मैन फॉर मी इज गोइंग टू बी सिद्धार्थ शुक्ला एंड मोस्ट डिजायरेबल वुमेन फॉर मी इज गोइंग टू बी माई सेल्फ। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा डिजायरेबल भी रहूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में बार बार नॉमिनेट हूँ और जीतूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि लोग मुझे लेकर डिजायर्स करें। जैसा प्यार मुझे बिग बॉस में मिला था, वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए मुझे मिले और एक लॉन्ग टर्म के लिए मिले। वेल, शहनाज ने तो ये बात क्लियर कर दी है, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि शहनाज बहुत जल्द आपको नजर आने वाली है किसी का भाई किसी की जान, जी हाँ, इस मूवी में। सो इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं वो भी।